आज हम अजमेर आए हैं और बड़े अच्छे दर्शन हो चुके हैं और ये सब इनकी इनकी मतलब इनकी वजह से हमने इतने अच्छे दर्शन किए हैं। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और मैं हमेशा ही जब भी जैसे मेरे शो के लिए आया हूँ आज मैं बियावर में, लेकिन वो शो तो अलग चीज़ है, बुलावा इनका ही है। और बड़ा अच्छा लग रहा है इधर आके, अच्छे लोग हैं और हमेशा ही खुशी होती है इधर आके। एक स्वीटी वेट से नाराई मूवी आई थी, उसमें एक गाना था दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, इसका रिमेक मैंने गाया था। और बाकी रियलिटी शोज़ वगैरह सब आपने देखे ही होंगे। अभी कुछ सिंगल्स मेरे आने वाले हैं, वो आएंगे तो फिर पता लगेगा। जी सबसे पहले ख्वातीन हज़रात को मेरा अस्सलाम वालेकुम। ये तो दरबार है और इस ये इतना मखसूस दरबार है कि हज़रत अली के पुश्तों में से ही हैं ख्वाजा साहब। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आऊँ, पिछले 4 सालों से मैं कोशिश कर रहा था पर इनका किसी ना किसी तरीके से मेरा आना नसीब में था नहीं। 4 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था, फाइनली 4 साल के बाद आज अल्लाह पाक के करम से ख्वाजा साहब के बुलावे से मैं यहाँ हाज़िर हूँ। और खादिम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से मेहमान नवाजी की। जैसे ख्वाजा साहब का दरबार में मेहमान नवाजी होती है वैसे मेहमान नवाजी की। और सब आलम इस्लाम के लिए, आलम हिंदुस्तान के लिए ये दुआ है, सलामती की दुआ है। हिंदुस्तान के सरताज हैं ये और हिंदुस्तान में जो सुख है, अमन है, वो इनके इनकी दुआओं से है और वो बना रहे। यही दुआ है कि हमारी हर कौमी भाई सलामत रहें, हर तरीके से उन पे करम हो ख्वाजा साहब का, और ख्वाजा साहब उन पे उनकी उनसे दुआ करें अल्लाह के लिए कि हम सबको सलामती दे और आलम हिंदुस्तान को तरक्की पे पहुँचाए। शुक्रिया।